दोस्तों देख रहे हैं आप, यह है दिन का नज़ारा। ये बेल देख रहे हैं आप कैसा अजगर की तरह, सांप की तरह पेड़ से लिपटी हुई है। तो यह है नीमक की पांडी, जिसे टर्मिड हिल बोलते हैं। ये है तो हेल्दी फॉरेस्ट है, समझिए। ये देखिए, ये सब साल के पेड़ हैं। और ये देखिए एक्टिविटी आगे थोड़ा सा, रोक रोक रोक, चल चल चल, जंगल जंगली बंदर है दोस्तों। बीच में आप ये साइड से गड्ढा देख रखे हैं और दीवारें बना रखी हैं, देखिए सीधा आपके जंगल है कुछ ऐसा दोस्तों। इसी से कुछ दूरी पर ही टाइगर कॉल मैंने सुनाई थी इसी जगह पर। तो दोस्तों अभी जो बरसात में पानी आता है वो यहीं से ऐसे ऐसे बहता हुआ जाता है। तो पानी अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये सब रोड पर आ जाता है। अभी जो देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड, ये पूरा फॉरेस्ट का कोर एरिया है। यहाँ से गाड़ी जाना सख्त मना है, रास्ता ये है। बंदरों की लाइव, चल चल चल, काफ़ी शानदार पेड़ है दोस्तों। यहाँ पर हाथियों का हुजूम लगा रहता है, मतलब ग्रुप। ये देखिए, ये है एलिफेंट कॉरिडोर। बस आया तो नहीं होगा ना, पगमार्क दिख जाते। देखो आपको एक सुंदर नज़ारा दिखाएंगे जो रात में हम कभी दिखा ही नहीं सकते। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैसी तबाही मची हुई है। रीज़न है ये लैंडस्लाइड। ये बना है बिल, तो इसका मतलब या तो सांप इसमें होंगे। अब ये कौन सी पार्ट है, देखिए यार, येलो येलो चोच है क्या इसकी, लंगूर। तो ये है कुकुरमुत्ता, तुम देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है दोस्तों। अरे वाह, आज मिली गया फाइनली, ब्लैक वाला है ब्लैक। तो दोस्तों देखिए पेयर, अच्छा मैं समझा पेयर में ये तीन है। देखो हो चुकी है शाम, तो काफ़ी अंदर है ये हिरन, एक नहीं दो हैं ग्रुप में हैं। तो थोड़ी सी वाइल्ड लाइफ की सेटिंग हो गई है, तो पूरा बोन्स है देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा जानवर है। तो दोस्तों आपको ये नज़र आ रहा होगा कुछ होल्स इस पेड़ पर, तो बता सकता है दोस्तों ये पेड़ किसने छीला होगा, इसकी छाल। वैसे हाथी भी छाल खाता है ना, छील छील के। दोस्तों देख रहे हैं आप, यह है दिन का नज़ारा सुंदर। पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, जो भी है ऊपर से आ रहा है। चलो सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है दिन का व्लॉग, दिन का मतलब दिन में हम ड्राइव करने वाले हैं इसी जंगल के अंदर। और रात में और दिन में कितना अंतर होता है आप जंगल में खुद फील करेंगे, वही आपको फील कराना है। तो देख सकते हैं अब ये हाईवे है, तो हल्का फुल्का ट्रैफिक मिल सकता है कोई, लेकिन आप जंगल फील करेंगे और खूबसूरती देखेंगे इस जंगल की। देख रहे हो पेड़, देखो ऊपर से ग्रीन, मैं दिखाता हूँ जूम कर एक बार। और देख रहे हैं आप, इतनी बारिश है दोस्तों कि ये देखिए बिल्कुल छत बनी हुई पेड़ों की, कितना सुंदर नज़ारा है। यही चीज़ दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और बाकी देखिए पूरा जंगल, मैं रास्ता ही नहीं दिखाऊंगा, जंगल भी दिखाऊंगा थोड़ा। रास्ता तो आप रोज़ देखते हैं रात में, आज आप देखेंगे जंगल। देखिए पूरा छत बने हुए हैं पेड़, इसको फील करिए, देखते रहिए। पूरी गुफा सी लग रही है आपको, देख रहे हैं ये सेंटर पॉइंट, पेड़ पूरे ऐसे ढके हुए हैं और रोड के किनारे से, मज़ा आ रहा है। और जो फ्रेश एयर है ना यहाँ की, उसमें तो क्या ही कह सकते हैं, लाजवाब। देखिए जंगल इतना हेल्दी है, तो आपको मैं सेंटर से दिखाता हूँ बढ़िया करके ऐसे। यही जंगल आप रात में भी देखते हैं, तो
पूरा अंदर देखें आप, ये दीमक की बामी है पूरी, जिसे टर्मिट हिल भी बोलते हैं। और ये देखिए खूबसूरत बेलें, ठीक है। ये देखिए जहाँ दीमक की बामी है दोस्तों, जहाँ टर्मिट हिल है, वो रुक जाए सांप की तरह लिपटी हुई बेल दिखाता हूँ मैं, ऐसे रुक जा पीछे। ये बेल देख रहे हैं आप कैसा अजगर की तरह, सांप की तरह पेड़ से लिपटी हुई है। इतने तो ऊंचे पेड़ हैं देखिए, जंगल की और जंगल की आवाज। ये दीमक भाई दोस्तों, ये है दीमक की पांडी, जिसे टर्मिड हिल बोलते हैं। ये है तो हेल्दी फॉरेस्ट है समझिए। ये बहुत से अलग अलग फंक्शन है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके। आप जंगल की आवाज़ सुने, तो कौन कहता है कि जंगल खतरनाक नहीं है। ये देखिए दूर दूर तक तो घना जंगल है, अंदर सिर्फ रोड पे चल रहे हो तो इससे थोड़ी लगता है कि हाँ घना नहीं है। तो सब चीज़ें सोच के चलना पड़ती है, सोच समझ के बोलना पड़ता है। कोई नहीं, और एक मैम कह रही थी कि पेड़ों की हाइट नहीं दिखती, पेड़ों की हाइट आप आज देख सकते हैं। क्या नाम था, रुखसाना मैम। ये देखिए ये सब साल के पेड़ हैं, हाँ। और ये देखिए एक्टिविटी आगे थोड़ा सा, रोक रोक रोक, चल चल चल, जंगल जंगली बंदर है। हाँ सर है, कुछ खा रहा है, मैं समझा खुंखारी दे रहा है, खतरनाक हो जाता है सीन। आए रोड कम, जंगल में ज़्यादा दिखाने वाला हूँ। किधर है, हाँ जंगल की खूबसूरती आज आपको दिखाएंगे हम ऐसे। दोस्तों देख रहे हैं अब ये बेलें लटक के आ रही हैं बारीक बारीक सी, देखिए कितनी सुंदर है। ऐसा लगता है ना जैसे पर्दा किसी ने डाल दिया हो, वैसी है। और ये देखिए कुदरत के नज़ारे, थोड़ा सा हाथ हिला हुआ ना, अपोजिट साइड है, कोई नहीं। ये कैसे बेल ऊपर चढ़ी हुई है पेड़ पर, तो यही सबका तो मज़ा है। अरे ऊपर से तो पूरे घेर रखा है, पूरा दिखा रहा हूँ मैं, पूरा बेल से घिरा हुआ पेड़ है दोस्तों। ये देखिए, अरे बाप रे, बहुत बहुत ऊँचा पेड़ है दोस्तों। चलो की आवाज़ें भी आ रही हैं, चिड़िया की ना, हाँ। कितना सीधा सीधा पेड़ है, सुंदर, अति सुंदर। देखिए कितना मोटा पेड़ है साल का, जंगल की आवाज़ें। दोस्तों बीच में आप ये साइड से गड्ढा देख रखे हैं और दीवारें बना रखी हैं, देखिए सीधा ये है दोस्तों। एक रुक जा, रुक ना, रुक, आगे आगे आगे। मानसून में कुछ जंगल है ऐसा, देखिए ये सब साइड में जो पुलिया होती हैं इसके नीचे से जाता पानी, ये देख सकते हैं आप जगह। जी हाँ, जंगल देखिए है कितना घना, मैं कुछ बता रहा था आपको। हाँ यहाँ से साइड से ना जो गड्ढे खोद रखे हैं, कैनाल जैसा बना रखा था ना, ऐसे ही आगे सीधी रोड तक जाता रहेगा साथ में, वो हाथियों के लिए कि हाथी सडनली रोड पर ना आए। और अभी जस्ट पीछे यहाँ पे हिरन खड़ा था, पता नहीं रिकॉर्डिंग में आया नहीं आया, बोला था हाथ इधर से उधर को जा रहा ना, तो हिरन गया अंदर। स्पॉटेड डियर था दोस्तों, और देखिए मैंने कहा था कि दिन में वाइल्ड लाइफ की साइटिंग आसान है रात के मुकाबले। जंगल है कुछ ऐसा दोस्तों, इसी से कुछ दूरी पर ही टाइगर कॉल मैंने सुनाई थी, इसी जगह पर, मैं आपको जगह दिखाऊंगा वो। खैर जंगल तो पूरा ऐसी था, ये रोड और वो जंगल।
बंदरों की लाइफ। चल 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 चल, बंदर इधर को ही आ रहे हैं दोस्तों। बंदर आते हुए अंदर हो रही है लड़ाई इनकी। तो दोस्तों ये है वो जगह, यहाँ हमें सुनाई दी थी टाइगर कॉल। और ऐसे ही आपको पीछे दिखाया था स्पॉटेड डियर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो स्पॉटेड डियर्स का ग्रुप होगा अंदर, वो टाइगर कॉल कम से कम 40 से 50 बार हमने सुनी थी। वो जंगल देखिए कितना घना है अंदर से, और लोग कहते हैं ख़तरनाक नहीं है। अरे जब टाइगर नहीं दिख रहा है तो ये थोड़ी कि ख़तरनाक नहीं है, जंगल तो ख़तरनाक होता ही है, साथ ही खूबसूरत भी है। और यहीं अगर कोई टाइगर की साइडिंग हो जाएगी तब ये ख़तरनाक कहलाएगा। क्यों, ये देखिए कुछ रास्ते जाते हुए जंगल की ओर, कोई बर्ड की आवाज़ आई अंदर से। तो दोस्तों अभी जो बरसात में पानी आता है वो यहीं से ऐसे ऐसे बहता हुआ जाता है। तो पानी अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये सब रोड पर आ जाता है, मैं आपको पहले बताऊँ। तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, और फिर भी हम आपको रोज़ जंगल ड्राइव दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मजाक की बात नहीं है। और काफ़ी लोगों को पता है कि मानसून टाइम में सफारी बंद हो जाती है कुछ जोन की, जहाँ पर बीच में ज़्यादा पानी आ जाता, रास्ते ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से वहाँ सफारी नहीं होती है। यही वो रास्ते हैं जो हम रात में आपको दिखाते हैं, और दिन में कुछ ऐसा ही है, आप देख सकते हैं। अंदर पेड़ कितना मोटा है ना, वो अंदर जाकर वाइट कलर का पेड़ हो रहा है। अभी जो देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड, ये पूरा फॉरेस्ट का कोर एरिया है, यहाँ से गाड़ी जाना सख्त मना है, रास्ता ये है। किसी बर्ड की आवाज़ आई ना, प्यारी सी बर्ड है। अरे बाबा मैं डर गया था। क्या सामने गायों का झुंड? दोस्तों देखिए वाइल्ड लाइफ ये है, ऐसे रिस्क में भी पशुओं को पालना बहुत टफ। स्पॉटेड डियर दोस्तों नहर क्रॉस करने के लिए आया था वो पूरा, जहाँ हम खड़े थे ना। खैर पता नहीं उस पोजीशन में आया नहीं आया जो उसकी एक्टिविटी थी। एक्टिविटी करते हुए जानवर बहुत प्यारा लगता है ना। ये पेड़ देखें कुछ ऐसा है, काफ़ी शानदार पेड़ है। थोड़ा सा दोस्तों हाथ हिल रहा होगा क्योंकि हम बाइक पर हैं अभी, अब खड़े होके तो वीडियो क्या ही बनाऊँ मैं। और ये पत्थर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सब पर काई जमी हुई है, हरियाली हरियाली पेड़ पर भी। फुल काई जमी हुई है। दोस्तों यहाँ पर हाथियों का हुजूम लगा रहता है, मतलब ग्रुप। तो कुछ दूरी पे भी एलिफेंट कॉरिडोर है। तो दोस्तों ये देखिए बेल कैसे सुंदर बना रही है, इस पेड़ की खूबसूरती बढ़ा रही है। पेड़ अच्छा खासा बड़ा है, देख सकते हैं आप। मेरा जूम कम कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जैसे कि आप पेड़ अभी पड़ा हुआ देख रहे थे, यही एक टाइम पर, हाँ जैसे ये पेड़ है वुड्स जो पड़े हुए हैं, देखिए ये कहीं जाने नहीं है, ये यहीं पड़े रहेंगे और यहीं दीमक इनको डीकम्पोज करेगी और ऐसा कुछ हो जाएगा, दीमक की बाम्बी जैसे टर्मिनल ये जो है ऐसे बना देंगी, ये ऐसे बनती है। तो दीमक का भी बहुत बड़ा फंक्शन है,
फॉरेस्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, पेड़ और भी पड़े हुए हैं ऐसी। तो दोस्तों ये दीमक जो है घरों में लग जाए तो बहुत बड़ा नुकसान देती है और जंगल के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ डिकम्पोज करके ही ये सब दीमक की बामी बनती हैं और जंगल को ज़िंदा रखती हैं। बहुत सारे फंक्शन हैं अलग अलग। जंगल शांत है, पेड़ देखें दोस्तों कितना चौड़ा है, बहुत बहुत सुंदर पेड़ है, बहुत बहुत पुराना पेड़। कार लड़ूंगी 2 किलोमीटर। ये देखिए ये है एलिफेंट कॉरिडोर, बस आया तो नहीं होंगे ना, पग मार दिख जाते। देखूँ जरा हल्का था, और एक ठप्पा ठप्पा सा दिख तो रहा था। गायों के पैरों के निशान हैं दोस्तों। बरसात में थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाता है कि पग मार्क से पता लग जाता है ना कौन से जानवर की एक्टिविटी यहाँ चल रही है, अगर उस पर किसी और जानवर के निशान पैरे के। तो ये देखिए इतनी बढ़िया बेल है, मतलब पेड़ था जिसमें बेल थी। आपको एक सुंदर नज़ारा दिखाएंगे जो रात में हम कभी दिखा ही नहीं सकते। तो आपको एक सुंदर नज़ारा दिखाते हैं, तो पेश है आपके सामने ये जंगल। देखिए पानी की आवाज़ आ रही होगी, जूम करता हूँ। ये देखिए ये है बोर रिवर, जो आज तक अभी आपको नहीं दिखाई दी हमने, और बरसात में पानी आया हुआ है ऊपर पहाड़ों से। इसमें आता है जो ध्रुव दुआ नाम का वाटरफॉल है, उसका पानी इसमें आता है। और साथ ही जंगल देखिए, ये बर्डिंग का बहुत सॉलिड एरिया है, जो बर्डर्स हैं मतलब शौकीन है जो बर्डिंग करने के, वो यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पक्षियों की चहचहाट सुनिए, बहुत प्यारी जगह है दोस्तों। यहाँ से बर्डिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अलग अलग प्रजाति की यहाँ पे बर्ड्स हैं। वो देखिए गोल्डन कलर की वो जगह ही बर्ड अंदर जाके बैठी है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जूम करके, अगर दिख सकती है तो। सामने देख रहे हैं पहाड़ों पर बादल कैसे लदे हुए हैं, और मैं सोच रहा था कि आपको यहाँ का एक मॉर्निंग व्यू दिखाया जाए, जो मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा सुंदर रहता है और शांति रहती है। तो आपको देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मॉर्निंग टाइम में आपको ये जंगल, और यहाँ से व्यू जो मिलता है ना, सूरज वहाँ से निकलता है। वैसे तो बादल हैं देख सकते हैं आप, वो देखिए धुंध पूरी, ये तो पीछे नैनीताल है पूरा अपना। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैसी तबाही मची हुई है। रीज़न है ये लैंडस्लाइड, जी हाँ, ये जो बारिश होती है मूसलाधार बारिश होती है यहाँ पर जंगल में, और कुछ ऐसा नज़ारा होता है बारिश के बाद। ये देखिए पेड़ों की जड़ें हैं और ये पेड़ पूरा गिर चुका है, तो हरा भरा पेड़ ठीक ठाक गिर चुका ये रोड किनारे। चलिए ऐसी एक्टिविटी दिन में ही पता लग पाती है, रात में नहीं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या एक्टिविटी है जंगल के अंदर। कुछ सुंदर तितलियां यहाँ उड़ती हुई देख रहे हैं अभी। ये बना है बिल, तो इसका मतलब या तो सांप इसमें होंगे। देखिए एक और है, एक ये भी है, यह इसमें से जा चुके होंगे, काफ़ी सारे बिल हैं। चलिए यही है एक्टिविटी दिन की, और मैं आपको दिखाता हूँ एक। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये शायद हैं वूड पैकर, एक नहीं दो दो हैं, चार छः छः
देख गया मेरे को, एक ऊपर भी है दोस्तों, एक ही है, देखिए एक ही बैठा है भैया। तो काफ़ी बड़े वाले वूड पैकर हैं यार। तो दोस्तों दोस्तों आपने आवाज़ सुनी इनकी, ये आवाज़ जिसने भी सुनी है उसका वुड पैकर का नाम ज़रूर बताइएगा। देख लो दोस्तों अगर दिख पा रहा होगा तो, बहुत ऊपर है। देख रहे दोस्तों बर्ड्स बारिश में भीगने के बाद ऊपर साफ कर रही है। यह है वो वुड पैकर, कलर देख रहे हैं टहनी से मिलता हुआ तो पता नहीं चल रहा है। काफ़ी बड़ा वुड पैकर है, इसकी चोंच काफ़ी लंबी है, आपको मैंने साइड वाला व्यू दिखाया है। तो इसका रंग थोड़ा इसलिए है डार्क, ऊपर से हम नीचे से ऊपर की ओर बना रहे हैं मतलब लाइट के अपोजिट, तो थोड़ा आपको दिख नहीं पा रहा। वो प्रोसेस जो है वो आप देख सकते हैं, थोड़ा नीचे भी देखते रहना कहीं दोस्तों, जहाँ हम खड़े हैं ना कल रात को यही क्रेत मिला था, नीचे भी देखते रहना भाई, इसलिए हम शूज़ पहन के आए हैं। इससे ज़्यादा क्या दिख सकता है यार। तो दिन में दोस्तों वाइल्ड लाइफ ऐसे दिखती है, यही पक्षी रात में नहीं दिखने वाले कभी। मैं थोड़ा साइड से बनाता हूँ है ना, और थोड़ा अब आई रोशनी इस पर, थोड़ा सा दोस्तों बादल है ना तो इस वजह से रोशनी अंदर नहीं आ पा रही है, पेड़ों से ढकी हुई है। तो दोस्तों फाइनली थोड़ा सा साफ व्यू मिला। कहाँ गए ये दोस्तों? एक नहीं काफ़ी हैं, ये देखिए दोस्तों, ये है वुड पैकर, कलर आपको दिख गया होगा, इसका नाम ज़रूर बताइएगा। और ये आवाज़ आ रही होगी आपको, पेड़ में चोंच से ठोक ठोक के यहीं अपना ये घोंसला भी बनाते हैं, और ये पेड़ों की छालों से कीड़े निकाल कर भी खाते हैं, और जो पेड़ों की सफाई करने का काम इनका ही है। तो कुदरत ने हर चीज़ को अपना अपना एक काम दिया गया है, हर एक जीव अपने अपने में एक वैल्यू रखता है। तो मैं ऐसे नज़ारे तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, और काफ़ी सारे हैं दोस्तों। एक छोटा सा व्यू और मिला प्यारा सा, एक मिला है पेयर, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया हो। ये देखिए बारिश के बाद भीग गए हैं इनके पर। दोस्तों भी दोनों बैठी हुई थी साथ में, अपने पर साफ कर रही हैं। क्या गिरा? कहाँ गया वो दूसरा वाला? ये उड़ के जाए, तीन चार चार थे दोस्तों, उड़ के इधर चले गए वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है जंगल की खूबसूरती दिन में, और मैं आपको वो होल दिखाता हूँ कितना होल करके चला गया वो। ये देखिए ताज़ा होल है, ऐसे ही अपने ये घोंसले बनाते हैं। अबे कौन सी पार्ट है देखिए, येलो येलो चोंच है क्या इसकी? क्या है कौन सी पार्ट है? देख पीला पीला कुछ खा रही है, क्या है ये भाई? कटफोड़वा है दोस्तों। ये दूसरा वुड पैकर है, उससे छोटा साइज़ का, सबसे बड़े साइज़ का अभी हमने आपको दिखाया, उससे छोटे साइज़ का इसकी येलो हेड है। तो नीचे से थोड़ा दोस्तों काला दिख रहा है, देखता हूँ मैं पॉसिबल कहाँ से हो सकता है। तो दोस्तों आपको दिख गया वो येलो हेड वाला, ये गया उड़ के लेफ्ट हैंड साइड।
दोस्तों यहाँ इतनी दूरी से बनाना पड़ रहा। दोस्तों देख रहे हैं लंगूर, वही आराम से बैठ के खा रहे हैं। इनका भी एक अलग मज़ा है दोस्तों, ये सब रात में देखने को नहीं मिलता। कैसे ताज़े ताज़े पत्ते तोड़कर खा रहा है ये लंगूर। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा ये नेचर एक्टिविटी देखने में। ये लंगूर अभी शहर में होंगे तो वो मज़ा नहीं जो जंगल में आ रहा है। थोड़ा सा वूड पैकर्स को देखने के बाद हम आगे बढ़े हैं। दोस्तों यही वो शायद यही वाला एरिया है, रात में पता नहीं चला हमें। दोस्तों यही वो एरिया है जहां में मिला था क्रेथ स्नेक। बेले देखिए, फिर सुनसान साफ सुथरा रोड, बारिश से रोज़ धुल रहा है, रोज़ पत्ते धुल रहे हैं। वो तो धूल नहीं है कुछ भी दोस्तों, सब बैठी हुई है धूल। और ये खूबसूरत वादियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये है कुकुरमुत्ता, तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है। ये पेड़ देख रहे हैं आप कितना कलरफुल लग रहा है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। दोनों में कलर में डिफरेंस है, वो ब्राउनिश है ये ग्रीनिश है। ऐसे ही जस्ट एक पेड़ और है बेलों से सजा हुआ। बादल गरजने लगे और जंगल देखें आप, ऐसा है कुछ दिखाता हूँ आपको। ये तिरछा पेड़, इस पे जो बेले जा रही हैं सुंदर, अति सुंदर। और ये रास्ता, चलिए बढ़ते आगे। मैं दिखाता हूँ एलिफेंट कॉरिडोर, यहाँ आते हैं हाथी इस रास्ते से। बाकी जंगल देखते रहें, फील करें। दोस्तों अरे वाह, आज मिली गया फाइनली, ब्लैक वाला है। ब्लैक वाला तभी तो बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं, ये है हॉर्नबिल। अरे एक ऊपर भी है। हाँ हाँ ऊपर वाले को देख रहा हूँ। उड़ गया,
दोस्तों आपने देखा, एक होता है ग्रे हॉर्नबिल, वो कॉमनली आपको सब जगह मिल जाएगा, ये पेयर में रहना पसंद करते हैं, तो उसके साथ एक और पक्का ज़रूर होगा। तो दूसरा हॉर्नबिल ये है, तो थोड़ा सा पेड़ों के पीछे है, थोड़ा अंधेरा होगा इसमें, और एक ये है। तो हमेशा ही मेरे को जब भी मिले हैं ये पेयर में मिले हैं, पेयर में मिलते हैं, पेयर में ही रहते हैं साथ में। तो आज जाके ये कब्जे में आए हैं फर्स्ट टाइम, इससे पहले मोबाइल से मैंने वीडियो बनाई थी। बादल गरज रहे हैं और इसकी एक्टिविटी आप देख रहे हैं, ये मोटे मोटे बीज खाना पसंद करता है, गोल गोल जैसे उड़ के बैठा। देखा मैं, हाँ हाँ देख रहा हूँ। थोड़ा सा दिक्कत यह है दोस्तों, यह है बहुत ऊपर टॉप पर और हम हैं जस्ट यहाँ, हम हैं यहाँ और हॉर्नबिल है वहाँ। ये देखिए क्या हो गया, कैसे मज़े में बीच खा रहा है। इस साल के पेड़ों पर दोस्तों बैठे हुए घूम रहे हैं हॉर्नबिल। थोड़ा सा यहाँ से अंधेरा इसलिए हो रहा है दोस्तों, हाइट काफ़ी है तो हम इसके जस्ट नीचे है। थोड़ा सा गाड़ी को पीछे करते हैं फटाफट। तो दोस्तों देखिए पेयर, अच्छा मैं समझा पेयर में ये तीन है, दिख गए हूँ, दिख गए, उन्होंने थोड़ा जूम कम करके दिखा दिया है। तो दोस्तों ये हैं तीन तीन हॉर्नबिल, एक तो ये है, एक है इसके पीछे और एक लेफ्ट में है, देख सकते हैं। हो चुकी है शाम, तो काफ़ी अंदर है ये हिरन, एक नहीं दो हैं ग्रुप में है, तो थोड़ी सी वाइल्ड लाइफ की साइटिंग हो गई है। देखिए घूमता हुआ, हमें ही देख रहे हैं। एक दौड़ गया, थोड़ा सा आगे लगो, पेड़ आ गया जी, बंदर देखिए साथ में हमेशा रहते हैं। दोस्तों देखिए बीच में साथ में बंदर भी टहल रहे हैं और हिरन भी। तो जैसे कि आपको पता है मंकीज़ को जंगल का वॉचमैन कहा जाता है और ये इनको अलर्ट करने के लिए ही साथ रहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल शाम का टाइम हो चुका है और देखिए हिरन और बंदर साथ में है, ये हमेशा दोस्ती करके रखते हैं इसलिए कि हिरनों का फ़ायदा बंदरों से, तो इन दोनों की दोस्ती हमेशा रहती है साथ में, क्योंकि चलिए काफ़ी बंदर है साथ में। मौसम ख़राब हो गया दोस्तों, इसलिए घर निकलते हैं। चलिए उन्हें चरने देते हैं सुकून से, हम बढ़ते हैं आगे की ओर, रास्ता जा रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये बोन्स हैं किसी न किसी जानवर की होगी जो तेंदुआ या टाइगर खा के छोड़ गया है। ज़रूरी नहीं कि यहीं खाया हो, क्योंकि देखिए ये है पानी का बहाव यहाँ से, तो पानी के साथ आके ये यहाँ जहाँ पानी रुका वो यहाँ रुक चुके हैं। तो पूरा बोन्स हैं देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा जानवर है। आई होप काफ़ी वाइल्ड लाइफ मिल गई, मंकीज, डियर्स, बर्ड्स अलग अलग प्रकार की आपको दिखाई, हॉर्नबिल्स दिखाई मैंने और वुड पैकर्स, एक छोटा, एक सबसे बड़े साइज़ का भी दिखा दिया आपको हमने, एक छोटे साइज़ का भी, जी हाँ, जिसका हेड जो था गोल्डन, मतलब येलोइश कलर का था, येलो कलर का कह सकते हैं आप। बाकी जंगल जो है अभी शाम में ऐसा लगता है वो आप देख सकते हैं, यही आवाज़ें रात में भी आपको सुनने को मिलती है, यही अभी शाम के टाइम भी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो। दोस्तों आपको ये नज़र आ रहा होगा कुछ होल्स इस पेड़ पर, मैं दिखाता हूँ आपको, ये वुड पैकर्स द्वारा किए गए होल हैं,
और देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 और एक सीधा हाथ आठ 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 होले एक ही पेड़ पर। और उसी के साथ एक और दूसरा नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, वो है ये। तो बता सकता है दोस्तों ये पेड़ किसने छीला होगा, इसकी छाल। वैसे हाथी भी छाल खाता है ना, छील छील के, हो सकता है वो, हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो सुरक्षित रहें, ख्याल रखें अपना, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, थैंक यू।